हाय दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब आप आपके कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके @ प्रेस करते हो तो आपके सामने में कोटेशन मार्क आ जाता है, यानी कि उदाहरण चिन्ह जो बोलते हैं वो आ जाता है। और जब आप शिफ्ट प्रेस करके हैशटैग प्रेस करते हो तो आपके सामने पाउंड का चिन्ह आ जाता है, यानी कि सिंबल आ जाता है। लेकिन @ नहीं आता है, हैशटैग नहीं आता है। जब हम स्क्रीन में कीबोर्ड ऑन करके अगर हम कुछ करते हैं तो ठीक है, तो चलता है। लेकिन जब हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो आप सोच रहे हो कि कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, तो ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ सेटिंग्स का प्रॉब्लम है, जो कि आप खुद ही इसको ठीक कर सकते हो आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में। तो चलिए हम देखते हैं वो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ओके, ये हमारा स्क्रीन है, देखिए मैं आपको दिखा लेता हूँ। हम कुछ नोटपैड ओपन करेंगे। जब आप शिफ्ट प्रेस करके जब आप @ प्रेस करते हो तो कोटेशन मार्क आ जाता है, यानी कि उदाहरण चिन्ह में। उसके बाद जब हम शिफ्ट प्रेस करके फिर से हैशटैग प्रेस करते हैं तो आपका पाउंड का सिंबल जो है आ जाता है। जब आप स्क्रीन कीबोर्ड यूज करते हो तो ये आपका जो है सही आता है, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करते हो कीबोर्ड स्क्रीन के कीबोर्ड प्रेस करते हो तो सही आता है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड से प्रेस करने से नहीं आता है। तो कैसे हम इसको सही करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये विंडोज 10 के लिए बता रहा हूँ, 11 के लिए भी। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सेटिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपको जाना है टाइम, लैंग्वेज, स्पीच एंड रिलीजन, डेट, रिलीजन एंड लैंग्वेज में जाना है। पहले जो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है तो पहले इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन यहाँ पर आएगा, ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड कीबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ऐड कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद इंग्लिश इंडिया यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश इंडिया चूज करोगे। इंग्लिश इंडिया चूज करने के बाद उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। ये हमारा इंडिया है, इंडिया को क्लिक करेंगे। उसके बाद इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम के ऊपर क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम जो है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव आएगा, तो आपको सिंपली रिमूव कर लेना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद बैक आना है, यहाँ पर तो इंग्लिश इंडिया होना चाहिए। उसके बाद हम नोट पैड में देखेंगे ये सही हुआ या फिर नहीं भी हुआ। उसके बाद जब हम टाइप करेंगे तो ये देखिए हैशटैग @ सही हो गया, सारे जो बटन था वो हमारा काम करने लगा। तो कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज होने की वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारा होता है। अगर ये वीडियो की हेल्प से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हम लेकर आएंगे फिर से। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी कर लेना। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।